नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको अनिल अंबानी के ग्रुप के जो पेन स्टॉक्स है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों उसमें काफ़ी तेजी देखने मिली है और अभी आप देखेंगे उसमें कि कुछ ही महीनों में जो 100% का रिटर्न दे रहा है ये पेन स्टॉक्स, जिस पर आपको लगातार नज़र बना के रखनी चाहिए। आपको अपने वॉच लिस्ट में इन सारे स्टॉक्स को ऐड कर लेनी चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए आपको। चलिए तो इस वीडियो में देख लेते हैं कौन कौन से वैसे स्टॉक्स हैं जो रिलायंस ग्रुप के, मतलब जो अनिल अंबानी ग्रुप के रिलायंस के जो शेयर है जिसमें काफी तेजी देखने मिली है। तो सबसे पहला शेयर जो है हमारा वो देखते हैं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों ये शेयर 52 वीक लो देखिएगा तो 90 पैसे का शेयर हुआ करता था और अभी आप देखते हैं 2.90 रुपीज का ये शेयर हो चुका है। एक महीना में देखिए तो काफी देख सकते हैं ग्राफ लगातार अप ट्रेंड में है ये स्टॉक्स। एक महीने में ये 114% का रिटर्न दे चुका है। ईयर टिल डेट में हम बात करते हैं तो ईयर टिल डेट में देख सकते हैं ये काफी गिरावट आई और यहाँ से जो गिरावट के बाद यहाँ पर जैसे 1 रुपया मतलब 90 पैसे के आसपास आने के बाद यहाँ से ये 190% तक की तेज़ी इसमें आ चुकी है। तो दोस्तों पेन स्टॉक्स में अभी काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है। बहुत सारे पेन स्टॉक्स में 100% रिटर्न, 200%, 300% तक का रिटर्न दे चुका है पेन स्टॉक्स। तो ऐसे में अगर इसमें कुछ न्यूज आता है, मतलब इस पर आपको लगातार अपना अपडेट रहना है, अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखनी है। कुछ भी मतलब पॉजिटिव न्यूज आता है तो आप इसमें अपना जो है इन्वेस्टमेंट हो तो आप अपने जो चाय का खर्च है या जैसे आप पान खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, तो उतना मनी आप लगा सकते हैं जितना कि आप इजीली उसको अवॉइड कर सकते हैं। मतलब उस मनी को कंसिडर करना है कि अगर वो रिटर्न दिया तो करोड़ों, नहीं तो डूब गया तो वो गया मनी। तो इस तरह का आपको अपना जो है मेंटेलिटी बना के रखना है कि उसमें वही रुपया लगाना है जिसको आपकी अपना पॉकेट मनी के रूप में खर्च कर देते हैं। तो वैसे ही छोटे से अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए पेन स्टॉक्स में। तो इसी में हम अनिल अंबानी ग्रुप के जो दूसरा शेयर है रिलायंस कम्युनिकेशन, तो इसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है। ये देखते हैं 52 वीक लो 50 पैसे का ये शेयर हुआ करता था। एक महीने में आप देख लीजिए तो एक महीने में इसमें कितनी तेज़ी है, 88% का तेज़ी है, 88.9% का। और वहीं ईयर टिल डेट की बात करें तो ईयर टिल डेट में देख लीजिए कितना तेज़ी है। यहाँ से देखते हैं जो अपना लो बनाया था वहाँ से 183% की तेज़ी। तो दोस्तों समझ सकते हैं ये सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है। मैक्सिमम का चार्ट देखिएगा तो कभी ये स्टॉक्स 800 रुपीज़ का हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं 80 पैसे पर आ चुका था ये स्टॉक्स, 80 पैसे से भी नीचे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें दोबारा थोड़ा थोड़ा जो जान आ रही है, थोड़ा थोड़ा जिसमें मोमेंटम पकड़ रही है। तो ऐसे में क्या न्यूज़ आता है, हो सकता है अगर प्रमोटर्स इसमें अपना जो स्टेक है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो तो सेबी उसको अप्रूव करेगा या नहीं। तो सारे चीज़ों पर आपको मतलब सारे न्यूज़ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सारी एक्टिविटी पर कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें हो रही है, तो सारी एक्टिविटी पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। उसके बाद अगला है हमारा रिलायंस, जो अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का जो अगला स्टॉक्स है वो है रिलायंस होम फाइनेंस। इसमें भी देख सकते हैं आज सर्किट थोड़ा देर के लिए ओपन हुआ लेकिन फिर से सर्किट लग गया। एक मंथ में देखिएगा तो देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है ये स्टॉक्स और एक मंथ में 100% का रिटर्न। ईयर टिल डेट में बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अपना जो लो बनाया था वहाँ से अपने लो से 260% का रिटर्न, 260% का रिटर्न। दोस्तों कई सालों तक हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तब हमें 200% 300% का रिटर्न प्राप्त होता है, वो भी नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही महीनों में जो अप्रैल है, मार्च है, उसके बाद जो तेज़ी पकड़ा है पेन स्टॉक्स, वहाँ से आपको 200% 300% का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह का जो तेज़ी है वो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टरों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। तो ऐसे स्टॉक्स जिसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ा है और ऐसे में आपका अट्रैक्शन निश्चित है कि इस और होगा, तो आपको अपना ध्यान लगाए रखना है कि ऐसे स्टॉक्स में जो छोटे अमाउंट जो 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिए, मतलब जो आप पॉकेट मनी के रूप में खर्च करते हैं, मतलब आप अपना जो उस तरह का अगर आपका लाखों का पोर्टफोलियो है तो 100 रुपया अगर आप इसमें लगा देते हैं तो अगर ये रिटर्न दिया तो बहुत बड़ा रिवार्ड देगा आपको, अगर चला भी गया तो उसका आपको कोई फर्ज नहीं होना चाहिए, आपको उसका कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद देखते हैं 5 डेज में तो ये लगातार अपर सर्किट हीट कर रहा था जो रिलायंस पावर है, और लगातार अपर सर्किट, अब फिर इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। एयरटेल डेट की बात करें तो एयरटेल डेट में यहाँ से देख सकते हैं अपने जो 52 वीक लो है 1 रुपया, वहाँ से ये 323% का रिटर्न दे चुका है। समझ सकते हैं 300% का रिटर्न दोस्तों, 300% का रिटर्न एफडी पे, 5% का रिटर्न मिलता है, 5% का एफडी पे रिटर्न मिलता है, और उस रिटर्न को लेने के लिए लोग जो है 5% लगातार अपने मनी को एफडी में रखते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स जो है, जो रिलायंस ग्रुप का, मतलब अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का जो अगला स्टॉक्स है वो है रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल इसमें देख सकते हैं आज लोअर सर्किट लग गया, पहले अपर सर्किट फिर लोअर सर्किट, तो कब कौन सा सर्किट लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 मंथ में आपको दिखाते हैं, 1 मंथ में 63% अप है, 63% अप है 1 मंथ में, मतलब 1 महीने में 63% का रिटर्न। एयरटेल डेट की बात करें तो एयरटेल डेट में यहाँ देख सकते हैं अपना लो बनाया है ये, यहाँ से जो लो बनाया यहाँ से आप देख सकते हैं कितना परसेंट का रिटर्न है, 238% का रिटर्न, 238% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक्स अपने जो लो है 1 ईयर का, मतलब या एयरटेल डेट के हैं वहाँ से। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स देखते हैं लगातार जो है अपना लोअर बना रहा था, वहाँ से ये लगातार अपर सर्किट को हिट कर रहा है, मतलब ये सारे शेयर में थोड़े थोड़े जान आ रहे हैं अब। तो ऐसा क्या खबर है इसके पीछे, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी चाहिए और आपको अपने वॉच लिस्ट में इन सब शेयर को रखनी चाहिए। अगर कोई भी न्यूज़ आता है वैसी, जैसे कि प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं, चाहे इसमें कोई नया मोमेंटम हो रहा है, क्या बिजनेस में कोई नया रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस तरह के न्यूज़ पर आपको लगातार ध्यान बना के रखनी चाहिए। उसके बाद अगला है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक हुआ करता था, लेकिन जो पूरे के पूरे ग्रुप है अनिल अंबानी का वो डूब चुका है। तो ऐसे में देख सकते हैं आप इसमें जो 5 डेज का रिटर्न देखेंगे तो देख सकते हैं लगातार अपर सर्किट लग रहा था, अब लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। एयरटेल डेट का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं अपना जो लो बनाया है यहाँ से 17 रुपीज़, वहाँ से देख सकते हैं 134% का रिटर्न ये दे चुका है अपने लो से, और यहाँ पर जो लो बनाया था यहाँ से देखेगा तो ये 132% का रिटर्न। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी ये देख सकते हैं लगातार फ्लैट रहा है, लगातार अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। 5 ईयर्स में बात कीजिएगा देख सकते हैं दोस्तों ये 600 रुपीज़ का स्टॉक्स हुआ करता था, और अभी आपको ये 20 रुपीज़ छोड़िए 8 रुपीज़ तक लो बना चुका है। मतलब जो स्टॉक्स 600 का हुआ करता था कभी कभी, तो ये देखते हैं 2000 यहाँ पर 7 में ये 2500 रुपये तक जा चुका था, वहाँ से इस ये देख सकते हैं 8 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में हम तो आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप 100 रुपये 200 रुपये, मतलब एक छोटा सा जो पॉकेट मनी आप खर्च कर देते हैं एक दिन में, उतना रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो रिटर्न दिया तो आपको रिवार्ड के रूप में बहुत बड़ा रिटर्न देगा, अगर वो चला भी गया तो आपको उसका गम नहीं होना चाहिए। तो ये थे अनिल अंबानी ग्रुप के जो पैनी स्टॉक्स है जिसमें धीरे धीरे जान आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पे नज़र बना के रखनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा मोमेंटम आता है जो कि इसके लिए पॉजिटिव हो तो आपको उस पॉजिटिव न्यूज़ को पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए, और आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं आप खुद थोड़ा रिसर्च कर लेंगे और लगातार जो न्यूज़ है उस पर नज़र बनाए रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो का मकसद था कौन से पैनी शेयर्स लगातार अपर ट्रेंड में है, कौन से पैनी शेयर्स लगातार अपर ट्रेंड में आने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, इसका इस इन्फॉर्मेशन को देना। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।